हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है हमारे वीडियो में और हमारे चैनल पे। तो दोस्तों, आज हम बात करते हैं कि बहुत इंटरेस्टिंग टिप्स के बारे में और अच्छी सी ट्रिक्स भी है। उससे क्या कर सकते हो कि जैसे अपना सिक्योर फोल्डर ना बना के आप एक डेटा जो है वो आप इमेज के पीछे, जैसे कोई इमेज है या कोई फोटो है उसके पीछे कैसे वो डेटा आप छुपा के रख सकते हो और कितना भी डेटा रख सकते हो, ठीक है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो आप लोग हमारा वीडियो ध्यान से देखिएगा और सारे स्टेप फॉलो करिएगा, ठीक है। तो ज़्यादा देर ना करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हमको क्या करना है कि हम लोगों को जो फोल्डर में डेटा रखना है उसके बाद एक इमेज फाइल लेनी। तो हमने देखिए अभी टेस्ट के नाम से एक फोल्डर बना लिया, इसमें ये डेटा ये हमारी इमेज होगी, ठीक है, जिस इस इमेज के पीछे हम ये सारा डेटा अभी हम हाइड करेंगे, ठीक है। तो पहले इसके लिए ज़रूरत क्या है, इन सबको आप ऐसे सेलेक्ट करके, ठीक है, इनको ऐड टू आर्काइव कर सकते हो, ठीक है। इसको हम ऐड टू आर्काइव कर देगा। तो ये ऐड टू आर्काइव हो गई, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, अब ये वाला हम हटा सकते हैं, इसका हमें कोई जरूरत नहीं। तो देखिए इसकी साइज आप चेक कर लीजिए कितना है, 25.3 MB, और इसकी साइज 119 KB। तो अगर आपको ये डेटा इसके पीछे आपको हाइड करना है तो कैसे करेंगे उसके बारे में हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आप यहाँ पे जाएंगे, स्टार्ट पे यहाँ CMD लिखेंगे, उसके बाद रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कर देंगे, फिर देन ओके, ये कमांड प्रॉम्प्ट कर जाएगा। इस पर आपको करना क्या है, यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको, आप लोग ध्यान से देखिए क्योंकि यहीं पर सारा कमांड है। देखिए यहाँ पे अभी तो हम लोग देखिए विंडोज सिस्टम 32 में है, अभी हमको चेंज डायरेक्टरीज फोल्डर में आना है, टेस्ट नाम का जो फोल्डर है। तो हम चेंज डायरेक्टरी कई तरीके से कर सकते हैं सीडी करके। तो हम क्या करते हैं, इमेज की प्रॉपर्टी में जाके ये कॉपी कर लेते हैं आपको बिल्कुल शॉर्टकट ताकि वीडियो लंबी ना हो, और यहाँ पे लिखेंगे सीडी स्पेस, उसके बाद इसको कर देते हैं पेस्ट, ठीक है। आप उसके बाद यहाँ पे आइए, तो ये हमें ये जो इतना पोर्शन आपको रिमूव कर देना है, उसके बाद कर देना है एंटर, ये एंटर कर दिया। देखिए पहले हम सिस्टम 32 में थे, अभी चेंज आएगी यूज़र और शिवम, और इसमें फिर डेस्कटॉप, फिर टेक्स्ट, क्योंकि डेस्कटॉप पे फोल्डर है तो टेक्स्ट में आ गए, टेस्ट में आ गए। अब हमें चलाना है कमांड, ठीक है। तो कमांड क्या होगी उसके बारे में आप लोग यहाँ से देखिएगा, ठीक है, कॉपी, ठीक है, स्लैश बी स्पेस, उसके बाद क्या करना है, फिर आपको इस इमेज का नाम देना है, ठीक है, .jpg विद एक्सटेंशन देना पड़ेगा, और हर के का स्पेस है, उसके बाद फिर ये प्लस करेंगे, फिर स्पेस करेंगे, अब देंगे हम ये विनरार फाइल का नाम जो है, जैसे टेस्ट test.rar ये फाइल दे देंगे, ठीक है, क्योंकि इसके साथ ये प्लस मर्ज होने जा रही है। अब आगे नेक्स्ट में जो देंगे फिर हम देंगे अपनी इमेज फाइल का नाम है, monkey.jpg, ठीक है। ये कमांड आप लोग ध्यान से देख लीजिए, कॉपी स्पेस स्लैश बी स्पेस monkey.jpg, फिर स्पेस, फिर प्लस, फिर स्पेस, फिर test.rar, फिर स्पेस, फिर monkey, ठीक है। इसको करने के बाद हम करते हैं एंटर, ठीक है। जैसे एंटर किया हमने तो ये देखिए monkey.jpg test.rar फाइल विद कॉपीड, अब इसका काम खत्म, ठीक है। इसके बाद अभी आपको हम आपको चेक करना पड़ेगा, आप देखिए ना इस इमेज की फाइल कितनी थी, 25, इसकी 1119 KB थी समथिंग कुछ, अब इसकी आ गई है 25.4 MB, मतलब ये वाला डेटा देखिए ना 25.3 था, ये डेटा इसके पीछे आ गया। अब अगर हम ये डिलीट भी कर देते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इस इमेज के पीछे हमारा ये डेटा है। अब डेटा कैसे आपको वेरीफाई कराते हैं, आपको मैं वेरीफाई कराता हूँ, इसको बंद कर दो कमांड को, अब इसको वेरीफाई कराते हैं, ठीक है। इसके लिए आप ऐसे भी कर सकते हो, इसको आप ओपन विथ, इसको आप ओपन कर सकते हो, अगर ऐसे ओपन करोगे तो आपको विंडार ही दिखेगा, ठीक है। इसको हम ओपन करते हैं आपका ओपन विथ, सॉरी ओपन विथ, इसको हम कर लेते हैं
या जीप में कर लेते हैं, कोई भी ले सकते हैं, हमें तो रात ट्रेल की ज़रूरत है। ठीक है, हम इस पर ओपन कर लेते हैं। ये देखिए इसी के अंदर ये डेटा है, ठीक है, इसके अंदर ही ये डेटा है। ये जो डेटा देखिए ना, monkey.jpg के बैक में डेटा है। तो इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं, आप ओपन भी कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ से आप चाहो तो ये हाइड एंड हाइड भी चेक कर सकते हो व्यू में जाके यहाँ से, ठीक है, बट उसकी ज़रूरत नहीं। आप अब इसको अगर ये कहीं भी आप रखोगे ये वाली फाइल, तो आपको कोई ये नहीं बता सकता कि इसके पीछे डेटा क्या है, लेकिन आपको पता है कि मेरा 25 MB का डेटा है इसके नीचे, ठीक है दोस्तों। और जब भी आपको इसको ओपन करना हो, तो देखो ओपन हो गया। जैसे ओपन करोगे अभी क्या, अभी क्योंकि उसका एक्सटेंशन चेंज कर दिया हमने, ठीक है, अभी एक्सटेंशन चेंज कर दिया, इसलिए डबल क्लिक करते हैं तो ओपन हो जाती है, ठीक है। तो ये एक्सटेंशन आप जैसे ओपन विथ आप इस पर कर दीजिए फोटो व्यूअर, तो फोटो व्यूअर भी हो गए, तो फोटो व्यूअर पे ज़रूर होगी अब आपको डेटा, लेकिन ऐसे दिखेगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इस तरीके से आप लोग अपना डेटा जो है किसी इमेज के साथ हाइड कर सकते हैं और इंजॉय कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। दोस्तों ये जो हमने स्टेप्स फॉलो किए हैं ज़्यादा बहुत लेंदी भी नहीं है, और आप चाहो तो इनको फॉलो करके आप अपना डेटा जो है इमेज में आप हाइड कर सकते हो, ठीक है। तो आप इस स्टेप्स को फॉलो करिए, उसके बाद आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। अगर हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब मारो, दोस्तों में शेयर मारो और बेल आइकन दबाना मत भूलिए, ताकि हम ऐसे छोटे छोटे टिप्स और ट्रिक्स डालते रहते हैं, ठीक है दोस्तों। तो अगर आपको लगता है कि हमारा वीडियो अच्छा है तो दोस्तों में दबा के शेयर करिए, ठीक है। मिलते हैं एक ऐसे नए वीडियो में ऐसी छोटी सी नई जानकारी के साथ। थैंक यू, बाय बाय।